नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आरके जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल 13 सितंबर को ही लंबी समय तक बीमारी से जूझने के बाद उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद बिहार के सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई थी। ऐसे में उनकी पहली पुण्यतिथि पर राज्य भर में जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी केंद्र मंत्री रहते हुए मंत्री का मंत्री का योजना का सफल मिलाया तो इसे रघुवंश साहब जी को हम सब लोगों में और यही है आपके नमस्कार। आज तक तो राजनीति है, फल्ला का वहां सरकार होगा, फल्ला का वहां होगा, तो हम उसको नहीं देंगे, राष्ट्र को नहीं देंगे, किसको नहीं देंगे। लेकिन भाई रघुवर जी जो है बिहार की सड़कों का जान है। अगर लोग कहता है बिहार में अगर सड़क का निर्माण फल्ला ने कराया तो ये बात में सच्चाई नहीं है। सही क्रेडिट जाएगा बिहार में अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सबसे ज्यादा अगर पैसा मिला पूरे देश में तो रघुवर बाबू ने उसके बाद साहब देखिएगा कि उनका जान और यही नहीं लालू जी रघुवर जी लोग मिल करके बिहार को 1,44,000 करोड़ का पैकेज देगा। तो योगदान तो भुला ही नहीं जा सकता। और जो संघर्ष करने के लिए रघुवर बाबू का जो व्यक्तिगत जो व्यक्ति थे जिस हिसाब से वो संघर्ष जमीन की सड़क से करने का काम किए कभी भी निराश होकर के बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे बल्कि चुनौतियों का सामना करने वाले थे। मनी हुसैन फ्रेम में आ रहा है अब तक पूरा नहीं उठा देंगे। पहली शर्त थी कि वो पूरा किया जाए, दूसरी शर्त ये थी कि राजकीय समारोह मेरे फ्रेम में आ गया हम जयंती वगैरह है वो मनाई जाए। मनी हुसैन साहब करो लोगों दोनों महापुरुषों का जो है नेताओं का जो है मूर्ति की स्थापना जो है बिहार सरकार करवाने का काम तो आज जो है मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम है। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।